श्री आलोक कुमार वर्मा, हमारे दिल्ली पुलिस परिवार के मुखिया श्रीमती शेफाली वर्मा, हमारी पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, केंद्रीय पुलिस बल सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ अधिकारीगण और समस्त गणमान्य अतिथिगण, हमारे मीडिया से आए हुए प्रिय बंधुओं, देवियों, सज्जनों और बच्चों और हमारे पुलिस परिवार सदस्य के सभी लोग, नमस्कार। आज की सुनहरी शाम के स्वर्णिम अवसर पर दिल्ली पुलिस के फैमिलीज और वेलफेयर सोसाइटी के बारे में जो चंद एक महत्वपूर्ण बातें पेश करने का मुझे मौका मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने अध्यक्षा का। श्रीमती शेफाली वर्मा के नेतृत्व में पिछले 8 महीनों से PFWs के सदस्य गणों ने एक मुहिम चलाई, उसका एक सुंदर एवं अत्यंत गौरवान्वित क्षण आज आया है। आई एम रियली एक्साइटेड। PFWs ने एक सुनियोजित ढंग से दिल्ली पुलिस परिवार के बच्चों, युवाओं और महिलाओं के जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाने की एक पुरजोर कोशिश की है और उसका आकलन शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैम ने बहुत कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी बतलाई, आप उसको देख सकेंगे अभी। इसलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उन सभी गतिविधियों को इस वेबसाइट के द्वारा। आज आप देखें कि हमारा PFWs किसी पहचान, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसे आप खुद देखें और गौरवान्वित महसूस करें। और यही क्षण है जब हम अपने लिए, हम सभी के लिए तालियां बजाएं और समाज को बताएं कि साथ मिलकर एक टीम की तरह चलकर हमने जिंदगी के उद्देश्य को कैसे महसूस कर सकते हैं यह जाना, एकजुटता का अनुभव यानी सेंस ऑफ वननेस इन दिल्ली पुलिस, इसको जागृत किया। PFWs निरंतर सेवारत है सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और सभी वर्गों के सदस्यों को एक मौका, एक अवसर क्रिएट करने के लिए, जिससे उनका स्वाभिमान बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, जागरूकता बढ़े और साथ मिलकर चलने की भावना का विकास हो और हुनर एवं रोजगार के अवसरों का भरपूर उपयोग हो सके। इस मंच से, इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी PFWs के हर एक एक्टिविटी प्रोग्राम, हर एक महत्वपूर्ण कदम पे जो हमें अपनी अध्यक्षा का संपूर्ण मार्गदर्शन और अन्य सभी सदस्य दलों का भरपूर सहयोग मिला, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए आइए देखें कैसे 1972 से रजिस्टर्ड हमारी संस्था पुलिस परिवार समिति एक पहचान की कोशिश में लगी थी। हम देखते हैं अपना पास्ट और अपना प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। यह PFWs की वेबसाइट हमारा एक सपना था जिसे हम रियलाइज करने में बहुत सारी रातें और दिन हम सब लोग साथ बैठकर बैठे। भावना शालू, नम्रता, ममता, नीलिमा, इस मंच से मैं आपका कितना धन्यवाद करूं। आज इस हम इस अंजाम पर बैठे हैं, इस अंजाम पर पहुंचे हैं और दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। जो चुनौतियाँ हमने साथ मिलकर झेली, उन सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पास्ट में देखें हम, हमारा पास्ट चैलेंजेस बहुत थे, चुनौतियाँ बहुत थी, रास्ते में जो चुनौतियाँ थी उनको संक्षेप में अगर हम बताएं तो हमारे पास अभाव था किसी भी तरह के रिकॉर्ड का, हमारे पास अभाव था डॉक्यूमेंटेशन का, वेबसाइट का, सिस्टम का, जिससे हमें पता चले कि जनरल या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और समस्याएं हमारे परिवारों के पास क्या हैं। मार्च 2016 और हमारी नई अध्यक्षा, हमें समझ में नहीं आ रहा था 80,000 की तादाद में पुलिस, दिल्ली पुलिस के परिवारों से हम कैसे जुड़े। 4 में से 1 वेलफेयर सेंटर एक्टिव था और जो 175 कॉलोनीज में रहने वाली पुलिस कर्मियों के लिए बहुत नगण्य था। तो हमने ये चैलेंजेस देखा, हम कहाँ से शुरू करें, हम कैसे शुरू करें, हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर हमने ये 3-pronged अप्रोच लिया अपने अपने मीडिया को लॉन्च करने के लिए, इस दिन के इंतज़ार के लिए, कि पहले हमने ये सारे काम किए जो आप अभी देखेंगे। हमने योजनाएं बनाई कि पहले से चली आ रही एक्टिविटीज़ जो बंद हो जाती है, आप सभी किसी न किसी वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं, आपको पता है कोई हम एक्टिविटी शुरू करते हैं वो वन टाइम एक्टिविटी होकर रह जाती है। हमने उन सभी एक्टिविटीज़ को सस्टेनेबल मॉडल बनाने की कोशिश की, नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने की कोशिश की और इस तरीके से हमने अपना शुरुआत किया। और शुरुआत अपने जो नए इनिशिएटिव्स उनके बारे में बताना चाहूँगी, फॉर न्यू इनिशिएटिव्स मैम ने काफ़ी हद तक आपको बता दिया है,
पर इन्होंने ये शुरुआत नहीं बताई कि इन्होंने कितने कॉलोनीज में जाकर, कितनी सारी ऐसी कॉलोनीज में जाकर स्लॉग किया है, जैसे अहाता किदारा, आपने नाम सुना होगा, अहाता किदारा, बुरारी, जगतपुरी, ऐसी जगहों तक हम पहुंचे और तब हमें एहसास हुआ अपनी जिम्मेवारियों का कि आप सबों को कैसे एजुकेशन, हेल्थ, फिटनेस, स्किल्स सीखने का बेहतर मौका दिया जाए। यह सोचते हुए ही हमने शुरुआत की एक सस्टेनेबल मॉडल बनाने की, एक ऐसी गतिविधियों से भरे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जिससे हमारे परिवार हमसे जुड़ सकें, उन्हें वो अवसर प्राप्त हो सके जो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुए हैं। और तभी शुरुआत की हमने समर कैंप्स की। अगर आप समर कैंप्स की बात करें, आज यहाँ बैठा हर परिवार का सदस्य, पुलिसकर्मियों का सदस्य किसी न किसी रूप में हमारे समर कैंप से जुड़ा होगा। और समर कैंप, आई एम वेरी प्राउड टू से, इट वॉज इंडीड वन ऑफ आर मोस्ट एनरिचिंग एंड रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। जब 11 जिलों के 11 और 175 पुलिस कॉलोनी से जुड़े लोगों ने के साथ हमने ना केवल योगा, डांस, सेल्फ डिफेंस, कुकिंग और स्टिचिंग के क्लासेस चलाए, बल्कि हमें उनके द्वारा उनके गुणों का, उनके प्यार का, उनके विश्वास का और नज़दीकियों का पता चला। हमें खुशी है इसी समर कैंप से शुरुआत हुई हमारे सोशल इनिशिएटिव वजीफा का। हमें ये पता चला हमें बहुत कुछ करना है, इनके लिए बहुत कुछ करना है, और तभी जन्म हुआ वजीफा का। वजीफा हमारा कमिटमेंट है, हमारा मिशन है आपके लिए, हमारे पुलिस परिवार के टैलेंटेड बच्चों के लिए, स्पेशली एबल्ड हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए। हमारी कोशिश है कि हर एक गुणवान बच्चा जो अपने जीवन के बेहतरीन मुकाम को हासिल करने का जज्बा रखता है, उसकी एक छोटी सी मदद हो सके। आज जैसे कि हमारी अध्यक्षा ने बताया कि कुछ दिव्यांग बच्चों को बहादुरी से जीवन जीने के हम जज्बे को सलाम कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि अनरजिस्टर्ड बच्चों को भी हम 30 नवंबर को सलाम करेंगे, 30 नवंबर को सम्मानित करेंगे जब हमारा मेगा जॉब फेयर लॉन्च होगा। इसी तरह से आज हमने एकेडमिक अचीवर्स यानी अपने विपरीत परिस्थितियों में भी 94% से ऊपर मार्क्स प्राप्त करके बेहतरीन मेडिकल टेक्निकल कॉलेज में जगह बनाने वाले बच्चों का भी सम्मान करेंगे। उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां, अगर आप यहाँ ये बच्चे हैं आप जरूर नीचे आइए। इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स अचीवर भी हमारे पास हैं, जो एक अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। इन बच्चों ने विपरीत परिस्थितियों में बिना किसी सहायता के उस लेवल तक, उस मुकाम तक चलकर दिखाया। वो दिन दूर नहीं है जब वो रियो ओलंपिक्स में भी एक मेडल प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए हम बताते हैं वजीफा की तीन कड़ियां। दिवाली उत्सव हमारी वजीफा के लिए तैयार की गई कुछ गतिविधियों से की पहली कड़ी थी, एक उम्मीद थी। आप सबों ने आपका भरपूर लुत्फ उठाया होगा और हमारी कोशिश को सराहा होगा। हमारे सारे पुलिसकर्मीगण, अगर आप दिवाली उत्सव में आए थे तो तालियों के द्वारा बताइए कि आपने उसे सराहा या नहीं। 1,00,000 की फुटफॉल और PFWS स्टॉल की 1,25,000 की सेल इसका गवाह है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑल ऑफ यू। कोशिश जारी रहेगी कि ऐसे फंड रेजिंग इवेंट जिससे हमारे बच्चों का हुनर दिखाने का प्लेटफॉर्म और आर्थिक अनुदान को भी देने के अवसर पैदा कर सकने का मौका मिलता रहे, ये सिलसिला चलता रहे। और अब हम चले तराना पर, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप सबों का फिर से धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। इस प्रोग्राम से बहुत उम्मीदें हैं हमारी, आपका कुछ कर दिखाने का जज्बा और हौसला यूं ही बना रहे और हमारे प्रयासों द्वारा आपको एक मुकाम मिल पाए तो हमारा मकसद सफल होगा। आज हमारे बीच बैठे कैलाश खेर जी ने बहुत बड़ी बात कही कि मैं आना चाहता हूं आपके तराना में और आपके बच्चों के हुनर को देखते हुए उसे उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ जो वो जाना चाहते हैं, और मैं ये जरूर कोशिश करूँगा। तो मैं कैलाश खेर जी के यहाँ नहीं होने के बावजूद मैं उनकी तरफ से ऐलान करती हूँ वो बहुत हमारा सहयोग देने वाले हैं, तो उनके लिए भी एक बार तालियां। ये तराना आपको जो आज एक छोटा सा नाच गान रंगारंग प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, ये 3 महीनों का सतत अनवरत प्रयास है। आपको पता होना चाहिए कि हमने 11 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के ऑडिशन किए और 25 ट्रेनर्स, टीचर्स, कोरियोग्राफर्स और सिंगर्स एंड थिएटर आर्टिस्ट का सहयोग लिया। ललित कला एकेडमी, आपका धन्यवाद रिसोर्सफुल बनाने के लिए और हमारे बच्चों के हुनर, कौशल और आत्मविश्वास का विकास करने के लिए। यही अवसर हमने चुना, यही मकसद था हमारे इस इवेंट का।
और आप देख सकते हैं आज जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं वो कितने प्रोफेशनल्स की तरह कर रहे हैं। जजेस इस पर जरूर हामियां भरेंगे, जजेस कृपया ताली बजाकर बताएं कि क्या आप इस हुनर को सराह रहे हैं। मेगा जॉब फेयर हमारी वजीफा की तीसरी कड़ी है, जो NPL न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में 30 नवंबर को लॉन्च की जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म्स इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बहुत से बच्चों के कॉल आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमारे पास लिंक नहीं था, हमने आपको ये सारे फॉर्म्स हाथों के द्वारा भेजा, लेकिन अब ऑनलाइन फॉर्म्स इसी पर मिलेंगे। आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स की, ऑनलाइन फॉर्म्स दिखाएं प्लीज, जहाँ से ये डाउनलोड कर सकेंगे। पुलिस पर्सनल बच्चों के लिए कोई फीस नहीं होगा, इसीलिए यह वेबसाइट की लिंक और यह लॉन्च हमने अलग रखा था। इस मेगा जॉब फेयर में बाहर से आने वाले बच्चों की रजिस्ट्रेशन फीस होगी, हमारे बच्चों के लिए कोई फीस नहीं होगी। हमारे बच्चों को 5 चांसेस मिलेंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए, कंपेयर टू 3 चांसेस फॉर अदर्स। रिटायर्ड पुलिस पर्सनल से दिव्यांग बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बाकी बचे हुए टैलेंटेड बच्चों को हम फेलिसिटेट करेंगे जॉब फेयर में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम जॉब फेयर में। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर मेगा जॉब फेयर देयर इज समथिंग वेरी यूनिक, क्रॉस द फिंगर्स, व्हाट कैन बी समथिंग वेरी यूनिक? यस, ऑनलाइन शॉपिंग। हैव यू हर्ड ऑफ अ वेलफेयर सोसाइटी हैविंग एन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट? So here you have the online shopping cart within 8 months we have created. विश्वास करें यह हमारे आज का विशेष प्रयास है जिसे आपसे शेयर करने में अत्यंत खुशी हो रही है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर नीरज जी अरोड़ा का, जिन्होंने सेल्फलेसली इस कार्य को अंजाम दिया, हमारी मदद की, विशेष तौर से उनका धन्यवाद। कृपया कर इसके बारे में बताएं। थैंक यू डॉक्टर सुशी सिंह। Shopping cart was an idea conceived to promote the products to the general public with a facility to purchase products online. जैसा कि आप जानते हैं हमारी पुलिस फैमिलीज की महिलाओं ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, यहाँ किसी प्रमोशन के द्वारा उसको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारी ये सारे प्रोडक्ट्स वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, आप सभी वेबसाइट पर जाकर के इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं और साथ में खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेबसाइट में हमने इन प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज के वाइज से डिवाइड किया है, जिसमें जूट बैग्स, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन क्लोथ्स, ईयरिंग और क्लोथ्स के डिफरेंट आइटम्स हैं। आपको परचेज करने के लिए इनके ऊपर बहुत ही सिंपल प्रोसेस हमने इस्तेमाल किया है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स को जाकर के ब्राउज कर सकते हैं। पहले जैसा कि आप देखेंगे, मैंने अगर ईयरिंग्स पे क्लिक किया तो उसमें ईयरिंग्स के डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आइटम आ जाते हैं और साथ में इनके प्राइसेस भी लिस्ट होकर के आ जाते हैं। आप जिस भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहें आप उसको ऐड टू कार्ट करके परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये सुविधा दी है कि जिस भी तरीके से आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक टाइम में आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो उसके बाद आपको हमारा हमें आपका डिटेल्स चाहिए होगा, जैसे नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। जब हमें आपकी डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी, हमारे एवं से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और ये सारे प्रोडक्ट 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर हम आपको घर पर डिलीवर करा देंगे। फिलहाल हमने अभी ये प्रोडक्ट्स को कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा पे रखा है, बट आने वाले टाइम में हम बहुत जल्दी इसको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी जोड़ देंगे, जिससे कि आप इन प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन पे कर सकें। आपके सुझाव और सहयोग से हमारा नियंत्रण ये प्रयास रहेगा कि हम इसको और अधिक से अधिक सफल बनाएं और अधिक से अधिक इसको सुंदर व्यवस्थित बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सुशी, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करें ये सारे शॉपिंग प्रोडक्ट हमारी महिलाओं ने बनाया है, एक भी बाजार से नहीं आया है। खूबसूरती से इन्हें निखारने का, दिखाने का, पैक करने का आत्मविश्वास दिलाया है हमारी टीम लीडर्स ने। पर पहले हमारी महिलाओं के लिए हम गौरवान्वित हैं जो यहाँ बैठी हैं, जिनकी वजह से हम शुरू कर पाए यह इस यूनिक सोच की, इस पहल की। हमारी महिलाओं के लिए तालियां प्लीज। थैंक यू मैम। और अब हमारी टीम लीडर्स जो रात दिन इस काम में लगी हुई हैं, अपने अपने घर बार को, अपने अपने पतियों को भी छोड़ आई हैं और इस काम को अंजाम देने में लगी हुई हैं, गीता प्रीति मनीषा मालवीय नगर से, किरण ममता NPL किंग्सवे कैंप से, नीलिमा मॉडल टाउन से, ममता शौकील इस डिस्ट्रिक्ट से, भावना मलिक पीतमपुरा से, कीर्ति तिलक नगर से, नम्रता द्वारका से, संध्या अर्चना विकासपुरी से, एंड ऑल अदर टीम मेम्बर्स जिनका मैं नाम भूल रही हूँ, प्लीज आप सबों का दिल से शुक्रिया। हु केम फॉरवर्ड विलिंगली टू हेल्प अस एंड हेल्प आउट अदर्स, बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस जर्नी में हम आप सबको, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी
आप जोरदार तालियों के द्वारा इनका भी सम्मान बढ़ता है हमारी टीम लीडर्स है, अगर इनका सम्मान नहीं करेंगे हम तो ये आगे बढ़कर फिर दोबारा नहीं आएंगे। प्लीज बहुत जोरदार तालियां हमारी टीम लीडर्स के लिए। सभी यहाँ पीछे स्टेज के पीछे अपने नामों को सुन रही होंगी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वो भी जरूर एक बार हमारे साथ आकर यहाँ सबके सामने लाइनअप होकर एक बार फोटो खिंचवाएं और अपने गौरव का अनुभव करें। सो इट इज सेड दैट वंस वी एक्सेप्ट आवर लिमिट्स वी गो बियॉन्ड देम। आज मैं गर्व से शेयर करना चाहती हूँ कि 25 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस और उपलब्धियों से भरी जिंदगी के बाद सब कुछ छोड़कर PFWS अध्यक्षता की पुकार पर और अपने पुलिस कम्युनिटी समाज और महिलाओं के लिए जो इस विकास ढांचा को सोचने तैयार करने और आगे बढ़ाने का जिम्मा मिला वह मेरे जीवन की किसी भी उपलब्धि से बढ़कर हो गया। आप सबों से जुड़ने का एहसास और उससे बढ़कर कुछ करने का मौका आज मेरे जीवन का मकसद बन गया है। थैंक्स टू आवर प्रेसिडेंट PFWS एंड ऑल ऑफ यू। और जाते जाते मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ वो जिंदगी भी क्या जहाँ छाव ही छाव चली। तो PFWS मेंबर्स टुगेदर वी आर नॉट हियर, अदरवाइज वांटेड यू पीपल टू होल्ड योर हैंड्स एंड टुगेदर वी शैल चार्टर अ न्यू पाथ। और इस साल के सफर साथियों के नाम PFWS की यह सुनहरी शाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आज की क्लाइमेक्स चरम सीमा पर पहुंचाने वाली इवेंट का इंतजार करिए, दिल रोक कर इंतजार करिए हमारे रैंप वॉक का। तालियां।